फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। गुलाब जामुन तो हमने बहुत बारी खाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की सब्जी। गुलाब जामुन की सब्जी बनाना बहुत इजी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है और ये राजस्थान की बहुत फेमस सब्जी है। सो चलिए बनाते हैं राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी। सो फ्रेंड्स, राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी बनाने के लिए हमको इन सब चीजों की जरूरत है। यहाँ पे मैंने लिए 15 गुलाब जामुन, ये रेडीमेड है, आप चाहें तो इसे आप अपने घर पे बना सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के, 4 बड़े चम्मच तेल के, टमाटो प्यूरी, और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप कर्ड का, 1 प्याज का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, हींग, 10 काजू, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने गुलाब जामुन लिए हैं ये रेडीमेड है, ये चाशनी में डूबे हुए नहीं है, इसका मतलब ये फीके हैं। अगर आपको ये बाहर ना मिले तो आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ली हुई कढ़ाई, गैस को मैं जला देती हूँ। कढ़ाई हमारी यहाँ पे हीट हो चुकी है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 4 बड़े चम्मच तेल के, और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। राजस्थानी सब्जी में तेल का यूज ज्यादा होता है, इसलिए हम तेल थोड़ा ज्यादा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया, तो मैं इसमें डालूंगी 2 तेज पत्ते, यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी, ये मैंने 3 ली है छोटी छोटी, इसको भी हम डाल देंगे। और अब हम इन दोनों को पहले अच्छे से फ्राई होने देते हैं ताकि इसका स्वाद तेल में चला जाए। ये दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरे का, और जीरे को हम थोड़ा चटकने देते हैं। जीरा हमारा यहाँ पे चटक चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ हींग, जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। और प्याज को मैं यहाँ पे अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारे अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैंने 1 बड़े प्याज का यहाँ पे पेस्ट बनाया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, यहाँ पे मैंने 1 टमाटर का प्यूरी बनाया है, और टमाटर को भी हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे टमाटर अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन, तब मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक का, आधा ही चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधे से थोड़ा कम हम डालेंगे धनिया पाउडर, और फ्रेंड्स पिंच ऑफ हम डालेंगे हल्दी। फ्रेंड्स, मसाले मैंने यहाँ पे अच्छे से डाल दिए, तो हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और मसाले को भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेते हैं, जब तक मसाला तेल ना छोड़ ले तब। तो फ्रेंड्स, मसाले ने यहाँ पे तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप दही का, और दही को भी हम अच्छे से मसालों के साथ पका लेंगे, जब तक मसाले तेल ना छोड़ लें। अब हम इसको सिम में 5 मिनट तक रहने देते हैं।
सो फ्रेंड, जब तक हमारा दही अच्छे से पक रहा है तब तक हमने यहाँ पे काजू लिए हुए। यहाँ पे मैंने 10 काजू लिए हैं, इसका मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, काजू का यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा पेस्ट तैयार कर लिया है और फ्रेंड्स हमारी दही ने भी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे काजू का पेस्ट जो अभी हमने प्रिपेयर किया था और इसको मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। यहाँ पे मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और पानी में हम थोड़ा उबाल आने देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा उबाल आ गया, तब मैं इसमें डालूंगी हमारे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन डालने से ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी, इसलिए पानी हमको थोड़ा ज्यादा डालना है। और अब 10 मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन के अंदर हमारा मसाला अच्छे तक चला जाए। अब हमारे गुलाब जामुन की सब्जी एकदम तैयार है। हमारे गुलाब जामुन भी बहुत मोटे मोटे हो गए और पूरा ग्रेवी अंदर तक चली गई है। तो अब मैं इसमें डालूंगी पिंच ऑफ गरम मसाला। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको स्टर कर लेती हूँ और फ्रेंड्स अब मैं गैस को बंद कर लेती हूँ क्योंकि एकदम रेडी है। और अब हम इसको ले लेते हैं सर्विंग प्लेट में। फ्रेंड्स, अब हमारी गुलाब जामुन की सब्जी एकदम तैयार है। लास्ट में मैं इसको गार्निश करूंगी फ्रेश क्रीम से। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। सो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए इस टेस्टी गुलाब जामुन की सब्जी को अपने घर पे और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वापस मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।